नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद के साथ पंचायती रैंस में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि भारत परंपराओं का देश है, कहते हैं कि भारत संस्कृतियों का, पर्वों का देश है। कोई भी पर्व हो, यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से मनाया जाता है और सब एक दूसरे से घुल मिलकर सभी धर्मों के त्योहारों को मनाते हैं। आज ईद है और ईद के मौके पर जामा मस्जिद की रौनक देखते ही बन रही थी। हमारे सहयोगी कमल जामा मस्जिद पहुंचे थे, जहां लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, देश के अमन चैन के सुकून की दुआ मांगी। और कमल उन लोगों के बीच थे और उन लोगों से बातचीत की। कई हमारे मुस्लिम भाइयों ने कमल को सेवई के लिए भी निमंत्रण दिया, और इस भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता के माहौल के बीच जिस तरीके का नज़ारा जामा मस्जिद का था, कमल वो आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। कमल, ओवर टू यू। रमजान के एक महीने के रोजे के बाद आज का दिन आता है, ईद का दिन। ईद के दिन लोग इबादत करते हैं, खुदा से अमन चैन और शांति की दुआएं मांगते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद सेवइयां बना के एक दूसरे के मिलते हैं, मिलाते हैं। क्योंकि ईद का त्यौहार जो मिलन का त्यौहार कहा जाता है, ईद को मिलन का त्यौहार माना जाता है, इस वजह से लोग सेवइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद में, जहां की ईद की नमाज़ सुबह अदा की गई थी, और अदा करने के बाद हम यहां पे पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करेंगे कि ईद पे उनकी क्या खास राय है। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जिस तरह से ईद का त्यौहार पूरे मुल्क में बड़ी बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, और रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े हमने रखे हैं, और आज ये जो ईद का त्यौहार, इसके अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का मौका होता है। आज हमने ईद की नमाज़ के बाद हमने बिलखसूस आज हमने दुआ की है कि रब्बुल आलमीन पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम फरमाए। और साथ साथ जिस तरह से आज मुल्क के हालात हो रहे हैं, ऐसे मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि एकता, गंगा जमनी तहजीब, अमन, रवादारी, इंसानियत की बात की जाए। और आज जिस तरह से हमने देखा कि दुआ के मौके पर भी शाहजहानी जामा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अहमद बुखारी साहब ने भी पूरे मुल्क के अंदर अमन शांति की दुआ की। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम फरमाए, पूरे मुल्क के अंदर अमन सलामती कायम फरमाए। साथ साथ जिस तरह से जो लोग मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत की तौफीक नसीब फरमाए। और जिस तरह की गंगा जमनी तहजीब हमारी 5000 साल पुरानी है, इसी तरह हम लोग दुआ करते हैं कि वही गंगा जमनी तहजीब इंसानी रवादारी, अलम बरदारी इसी तरह कायम फरमाए। बहुत शुक्रिया। सभी देशवासियों को एक बार फिर ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम। ईद हमारे लिए रमज़ान की मेहनत के बाद एक तोहफ़ा और एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, जिसे हम सब लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं। ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। 30 दिन के जो लोग रोज़े रखते हैं, नेक अमल करते हैं, और ये पैगाम देते हैं कि हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी इसी तर्ज पर गुजारनी है, यही नेक काम हमें लोगों की भलाई के लिए करने हैं, जो गरीब हैं उनके लिए हमें अच्छे काम करने हैं, उनकी भलाई करनी है, मिस्कीन है, यतीम है, बेवा है, इस तरह के लोग। तो जो हम रमज़ान में हम करते रहे, वही हम अपनी पूरी ज़िंदगी में करें, बुराई से बचें। रोज़े की हालत में हम हर तरह की बुराई से बचते हैं, किसी से लड़ाई ना करें, बुरा बोल ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं कि हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ज़िंदगी भर अमल करना है। और ये तोहफ़ा है उन लोगों के लिए ईद का दिन अल्लाह की तरफ से कि हाँ, मैंने तुम्हारे रोज़े कबूल कर लिए। जो होते हैं इसमें एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है इंसान को, कि हमें 11 महीने की ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, उसी तरह से हमें उस पर अमल करना है। तो गरीब आदमी का भी इसमें वो होता है, जैसे गरीबों को ज़कात देनी है, जो हमारी तरफ से रमज़ान में ज़कात निकलती है, उससे गरीबों की मदद होती है। फितरा निकलता है, उससे हम गरीबों की मदद करते हैं, तो वो सबके काम आती है, ताकि गरीब लोग भी अच्छी तरह से ईद मना सकें। आओ सर को झुकाए दीद खुदा की, हम पे गए जितने ईद दुनिया को बनाया, और हमें फिर इसमें बसाया, जितने पानी और हवा दी, जितना हमारी आग जला दी, जितने मनाए चांद सितारे फूल खिलाए, प्यारे प्यारे जितना हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है, फिक्र कुछ किसी का गम है, बस हम पे खुदाई का ये करम है। ये हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है ईद का, ये हम 30 रोज़े रखते हैं, उसका ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है बहुत अच्छा इनाम है हमारे लिए, रोज़दारों के लिए ये। और यहाँ पे ये दिन भर माशाल्लाह भीड़ भड़कता रहेगी, अब जो जो दिन बढ़ता रहेगा वो हमारी यहाँ पे रौनकें बढ़ती रहेंगी। अभी सब थके हुए हैं, पूरी रात के जागे हुए हैं, नमाज वहाँ से फारिग होने के बाद अब सब लोग यहाँ पे आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर नमाज़ पढ़ के अपने घर की तरफ चले जाएंगे।
भाई ईद ईद की त्यौहार हमारा 30 रोजा रखते हैं और आखिरी आज त्यौहार हमारा सबसे पहला आज, इसको हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। आज जो चहल पहल है वो कल नहीं होगी, समझ गए, जो कल रहेगी वो परसों नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी आज आखिरी त्यौहार है और सबसे फर्स्ट महीना है ये रमज़ान मुबारक का, और हम लोग खुशी के साथ खुदम के साथ ये इसको रुखसत करते हैं आज की तारीख में। तो कमल के इस रिपोर्ट ने बता दिया कि आतंकी कितने भी मेहनत कर लें लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता, अमन और चैन को तोड़ नहीं सकते। ये तस्वीरें ये बयां कर रही थी कि भारत को क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कहा जाता है। कमल के इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके का नज़ारा त्योहारों पर भारत में होता है वो शायद उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आप गोलियां कितना भी चलाइए, यहाँ का भाईचारा खत्म नहीं होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ धन्यवाद, नमस्कार। तो कोई व्यू ऑन कराओ क्या?